देश से दूर रह के भी अपने देश का ही एहसास होता है। आप ऐसे वीडियो रोज बनाते रहें, मेरी यही दुआ है। मुझे लगता है कि मैं वैष्णो देवी से वहीं पे ही हूँ जबकि मैं नहीं जा पा रही हूँ कोविड टेस्ट की वजह से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे परिवार को सब अपने दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन से ही करते हैं। लखनऊ और कानपुर से ट्रेनें बहुत कम चल रही हैं, तो जो भी चल रही हैं उसमें हमने रिजर्वेशन कराया है, तो हम 25 को जम्मू पहुंच जाएंगे 24 को चल के। आपका चैनल है ये माता रानी का प्रसाद है मेरे लिए। जय माता दी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। आज मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं कैसे आप सभी का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि ट्रेन राइडर परिवार पे लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ने की खुशी में आप सभी ने जो प्यारी प्यारी वीडियोस साथ ही साथ जो प्यारी प्यारी वैल्यूएबल फीडबैक्स हमसे साझा किए उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और बहुत खुशी इस बात की है कि ट्रेन राइडर परिवार पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन राइडर को इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग अपनी प्यारी प्यारी वीडियोस हम तक ज़रूर साझा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी प्यारी प्यारी वीडियो हम तक साझा किया और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक को भी हम तक जरूर पहुंचाया। आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप सभी भक्तों तक अच्छी से अच्छी जानकारी और जो भी माता रानी के दर्शन है वो और अच्छी तरीके से आप सभी भक्तों तक पहुंचाते रहे, ताकि आप सभी भक्त घर बैठे माँ भगवती के सुंदर दर्शन प्यारे दर्शन करते रहे। और मैं यही आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस परिवार को और बड़ा करने की जिम्मेदारी आप सभी की है, क्योंकि ये परिवार आपका है, इसे सजाना संवारना आपका ही कर्तव्य है। तो मुझे पूरा आशा है कि आप सभी भक्त मिलकर इस परिवार को और बड़ा करेंगे और हमारे परिवार में और भक्त जुड़ पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन सभी भक्तों के प्यारी प्यारी वीडियोस को देखते हैं आपके साथ। आप भी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, दूसरों तक भी शेयर करिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। आयुष जी, सबसे पहले तो आपको जय माता दी। आपका यूट्यूब पे चैनल है ट्रेन रेडर, मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। घर बैठे ही माता के दर्शन हो जाते हैं और बड़ा मजा आता है, सारी वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देश से दूर रह के भी अपने देश का ही एहसास होता है। आप ऐसे वीडियो रोज बनाते रहें, मेरी यही दुआ है। और आपको माता रानी अच्छी सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, बस यही कामना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मैं दृष्टि निचावन लुधियाना से, आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ट्रेन रेडर के वीडियोस देख के क्या अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं वैष्णो देवी से वहीं पे ही हूँ जबकि मैं नहीं जा पा रही हूँ कोविड टेस्ट की वजह से। ट्रेन रेडर अब हमारे लिए एक जरिया बन चुका है वैष्णो देवी से हर रोज़ के दर्शन लाने के लिए और वहाँ के लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो ट्रेन रेडर से बहुत बहुत थैंक यू है कि वो इस सिचुएशन कोविड सिचुएशन में भी हमें माता रानी के हर रोज़ के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और हमें हमेशा वो लेटेस्ट जानकारी टाइम पे दे देते हैं। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी दोस्तों, मैं विशाल कुमार नई दिल्ली से अपने आयुष भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से हमें इतनी माता के दर्शन करने को मिलते हैं पर डे। और सुबह सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मैं खोल के देखता हूँ अपना व्हाट्सएप, तो मुझे आयुष भाई का मैसेज मिलता है सबसे पहले ही, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे परिवार को सब अपने दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन से ही करते हैं, चाहे वो ट्रेन की जानकारी हो या माता रानी से कटरा से रिलेटेड, माँ वैष्णो देवी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो, मेरी नज़र में सबसे पहले अपने ट्रेन राइडर पे ही हम लोगों को मिलती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आयुष भाई का कि माता रानी ने उनको भेजा, सारे अपने इंडिया के जितने भी माता रानी के भक्त हैं उन सब के लिए। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। जय माता दी। आयुष भाई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अभी 50K हुए हैं, 50 मिलियन भी माता रानी आपके बहुत जल्दी करे। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। मैं आदर्श पांडे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, और जैसा कि सभी को पता होगा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लोग नहीं जा पाए, माता जी के दर्शन नहीं कर पाए। मैं भी साल में 2-3 बार दर्शन कर ही आता था, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मुझे घर बैठे ही दर्शन और ताज़ा मौसम के हालात मिलते रहे, और मुझे उम्मीद है
ये चैनल सबको पसंद होगा, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। हाय आयुष भाई, जय माता दी। आप ये जो वीडियो भेजते हैं वो वाकई बहुत ही प्यारे होते हैं और हम आपके वीडियो का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। और ये जो आप हमें नई नई जानकारियाँ देते हैं जो हमें नहीं पता थी, ये देख के भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम 2 साल पहले गए थे वैष्णो माता तो हमें इतनी नॉलेज नहीं था वहाँ का, बट आपके वीडियोस देख के हमें बहुत जानकारियाँ अच्छी मिली। माता रानी आप पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। हेलो एवरीबॉडी, माता के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और आयुष भाई की वजह से ना हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से करने को मिला। गाइड उन्होंने जैसे किया था अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ ट्रेन राइडर को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बता दी थी कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे क्या करना है। और अब हम जा रहे हैं पटनी टॉप घूमने। जय माता दी। ट्रेन राइडर के 50,000 सदस्य हो चुके हैं, उसके लिए सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और जय माता दी। मैं कौशलेन मिश्रा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, मैं हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आता हूँ। इधर COVID-19 के चलते हम सभी भक्त, हमारे जैसे कई भक्त ऐसे होंगे जो नहीं पहुँच पाए होंगे, तो यात्रा अब खुल चुकी है और मैं ट्रेन राइडर देखता रहता हूँ। ट्रेन राइडर से जानकारी मिलती रहती है कि अब क्या होने वाला है, अपकमिंग क्या है। ट्रेन राइडर बहुत ही सटीक जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी देते रहते हैं, इसके लिए मैं ट्रेन राइडर के सभी सदस्यों का आभारी हूं और माननीय लोगों से मेरा आग्रह भी रहेगा कि कृपया आप इस तरह की वीडियो डालते रहें। और जैसे शिव खोड़ी हो गई, ये सब मतलब सारे जो भी नियर बाई हैं माता वैष्णो देवी के, पत्नी टॉप हो गया, इनकी सब की भी वीडियो आप बिल्कुल डालें और उसका लिंक अपने सभी 50,000 जो भी आपके सदस्य बढ़ते जाए, भगवान करे 1,00,000 हो जाए माता रानी की कृपा से, सबको लिंक प्रॉपर भेजते रहें, जिससे कि आपका परिवार हमारा परिवार बढ़ता रहे। और अभी मुझे 24 फरवरी में माता रानी अगर चाहेंगी तो दर्शन के लिए हम ज़रूर पहुंचेंगे, रिजर्वेशन हो चुका है। लखनऊ और कानपुर से ट्रेनें बहुत कम चल रही हैं, तो जो भी चल रही हैं उसमें हमने रिजर्वेशन कराया है, तो हम 25 को जम्मू पहुंच जाएंगे 24 को चल के। आप सभी को एक बार फिर जय माता दी, वंदे मातरम। जय माता दी आयुष भाई जी, मेरे प्यारे आयुष भाई जी, आपका पहले तो मैं मतलब कोई शब्द नहीं है जो आपका मैं थैंक यू या धन्यवाद बोल सकूँ। आपका चैनल है ये माता रानी का प्रसाद है मेरे लिए, जिसे पाने के लिए मैं हर रोज़ वेट करता रहता हूँ आपकी हर वीडियो का, हर एक यूट्यूब लाइव का। बस माता रानी आपको बहुत लंबी उम्र दें, आपको हमेशा हमेशा खुशी रखें, कभी भी गम आने ही आने आपके पास, बस मेरी यही दुआ है माता रानी से, जो आपके चैनल ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट और इतना अच्छा इन्हीं के दिल में संतुष्टि दी आपके जरिए से। मैं हमेशा हमेशा यही दुआ करता हूँ माता रानी से कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी गम ना आए, हमेशा ऊँची रफ्तार पकड़ा है हमेशा। मैं था आपका छोटा भाई योगेश राजपूत। जय हम आप ट्रेन राइडर पर देख रहे सभी माता रानी के भक्तों को एक बार जय माता दी।
भक्तों, क्या आपको पता है कि ये ट्रेन राइडर चैनल कितना बड़ा हो गया है माता रानी की कृपा से और आप सभी के लोगों के प्यार और सपोर्ट से। दोस्तों, इस चैनल के जो होस्ट हैं, इस जो चैनल चलाते हैं उनका नाम है आयुष। आप सभी लोग जानते ही होंगे, मेरी सहायता भी करते हैं और आप सभी लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप सभी घर बैठे माता रानी का दर्शन करते हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और आयुष सर जो है हमारे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप सभी तक पहुँचाते हैं। माता रानी की जो जानकारियाँ हैं कि मंदिर कब खुलने वाली है, कब कैसा टिकट रहेगा, आप सभी को बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेन राइडर चैनल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं और बहुत ही सही जानकारी और सच्ची जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ये चैनल बहुत ही बड़ा हो चुका है और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी इसे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। अभी तो 50 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपनी तरफ से आयुष सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और लाख लाख बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उनके 50 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए और बहुत ही मेहनत करते हैं सर और मेहनत करके वीडियो को लाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर उसमें पूरा एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से वीडियो को अपलोड करते हैं, तब आप तक पहुंचती है। और दोस्तों, उसे आप बहुत ही प्यार से देखते हो और बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। और जो आप देखते हैं 6-7 मिनट की वीडियो, वो 6-7 मिनट की वीडियो नहीं है, उसमें घंटों लग जाते हैं उस वीडियो को बनाने में दोस्तों। और सिर्फ आप सभी को दिखाने के लिए इतना मेहनत करते हैं आयुष सर। तो एक बार फिर से मैं सभी माता रानी के भक्तों को जय माता दी कहता हूँ और आयुष सर आप लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मैं यही चाहता हूँ। और सर, आपने माता रानी के सभी भक्तों को सही इन्फॉर्मेशन देते रहिए, बस यही मेरी कामना है। जय माता दी। जय माता दी। कांग्रेस आयुष सर ऑन पासिंग 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे आप पे, हम सब पे। और आपके लिए फीडबैक तो क्या ही दें, बस ऐसे ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देते रहिए। आज से नहीं, मैं आपको 1 साल से आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, लेकिन आज तक आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट दिया है। और बस यही थी फीडबैक। और माँ का आशीर्वाद बने रहे, जल्द आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, जब भी सुबह उठता हूँ जगत जननी माता वैष्णो देवी का नाम लेके उठता हूँ, जिससे मेरे दिन की पूरी दिनचर्या अच्छी रहती है, मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलती है। और मैं जब भी व्हाट्सएप देखता हूँ सुबह, सबसे पहले माता वैष्णो देवी के ही की ही हाजिरी लगाता हूँ, उसके बाद ही किसी और का व्हाट्सएप देखता हूँ। मैं जब भी व्हाट्सएप देखता हूँ, आयुष भैया का वो जो मॉर्निंग का दर्शन लगाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, उसे मैं अपने स्टेटस में लगाता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी इसके दर्शन होते हैं, जिससे और लोगों के पास भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आयुष भैया और उनकी पूरी ट्रेन राइडर फैमिली के और भी सदस्य जुड़े जल्दी से जल्दी और उनका पूरा चैनल खूब प्रगति करे, खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे। जय माता दी। थैंक यू आयुष भैया, आपने हमको ट्रेन राइडर पे ऐड करने के लिए सर, आपने सुबह शाम का माँ का दर्शन करवाने के लिए सर, ऐसा लगता है माँ जन की एक एक इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहती है, ऐसा लगता है जैसे हम माँ के भवन से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं माता रानी के ऊपर एक भजन गाऊंगा। तूने मुझे बुलाया शेरा वारिये, मैं आया शेरा वारिये, ओ छोटा वारिये, पारा वारिये, ओ मैदा वारिये, तूने मुझे बुलाया शेरा वारिये, मैं आया शेरा वालिए, सारा जग है एक मंजारा, सब
की मंजिल तेरा द्वार और के पर नमरस्ता पर मैं पाया शेरा वालिये तूने मुझे बुलाया शेरा वालिये मैं आया शेरा वालिये। अब ये मेरा ये गाना था। आज मैं अब मैं माता रानी के ऊपर कुछ बताऊंगा जो हमने माता रानी से कहा था मेरे भैया ने। अब उनका वो हो गया शरत था, 8th क्लास में मैं गया था और वो उन्होंने कहा था ऑफिस में उन्हें तब हम गए थे उनका इंटरव्यू था ऑफिस में। अब वो लदे भैया के हो गया उन्होंने सीए के फाइनल पेपर दिए। तो मैं भी माता रानी से ये कहता हूँ माता रानी से ये कहता हूँ जो मैं मांगू वो ही मेरी मनोकामनाएं पूरी हो हमारी सबकी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिंकी बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। आते वाले जय माता दी। जाते वाले जय माता दी। जय माता दी 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 जय माता दी। सब शेरा वाली माता माँ वैष्णो देवी से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। जय माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी। सबसे पहले तो आयुष भैया को थैंक्स क्योंकि हर रोज़ माता रानी जी का लेटेस्ट अपडेट हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। माता रानी इनकी सभी मनोकामना को पूरा करें। मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज माता रानी के दर्शन करते रहता हूं और हर अपडेट को जानता रहता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं घर बैठे ही माता रानी का दर्शन कर लिया करता हूँ। लॉकडाउन के चलते मैं माता रानी के दर्शन नहीं कर पाया सो मैं घर पे बैठे ही दर्शन कर लिया करता हूँ माता रानी जी का। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले भैया आपके लिए जय माता दी। भैया आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपने हमें माता रानी के कोरोना काल में लाइव दर्शन कराए और हमेशा दर्शन कराते रहते हो और जो भी कोई गाइडलाइन आती है उसके बारे में जानकारी देते हो, सभी प्रकार की जानकारी हमसे शेयर करते हो जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और हम सब कुछ देख पाते हैं माता रानी के दरबार का, क्या आया वहाँ, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, सब कुछ हमें लाइव मिलता है घर बैठे। जय माता दी। भैया आपका चैनल बहुत अच्छा, भैया हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय माता दी। सभी को हाथ जोड़कर सबसे पहले तो मेरा नाम परी गुप्ता है और मैं छतरपुर MP से हूँ। मैं रोज आयुष भैया की वीडियोस को देखती हूँ क्योंकि उसमें रोज न्यू दर्शन आते हैं माता रानी के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वैष्णो देवी जाने से। मैं रोज देखती हूँ और ट्रेन आइडल को आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर और शेयर करें। थैंक यू भैया, आप रोज रोज इतनी सारी चीजें लाते हो, दिखाते हो उधर कराते हो, न्यू अपडेट्स दिखाते हो, उसके लिए भी थैंक यू। जय माता दी। वैसे भी एक बात बतानी थी आपको, जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले आपके मैसेज आए होते हैं हमको जिससे हमें रोज माता रानी के घर बैठे दर्शन होते हैं। माता रानी। जय माता दी। आयुष भाई, मैं आपका चैनल ट्रेन राइडर मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ पहले मोबाइल चेक करता हूँ कि कोई माता दी का जय माता दी शेरा वाली का कोई अपडेट आया है क्या। मैं सुबह हमेशा इंतजार करता हूँ कि आपका कोई पोस्ट हमें मिले और हमें ऐसा एहसास होता है आपका पोस्ट देखकर कि हम वहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम कटरा पहुँच गए। हमें बहुत अच्छा लगता है सुबह आपका ये हमेशा फोटो अपडेट हर पल की जानकारी हमें बहुत पसंद है। मैं इस चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं जय माता दी। आयुष भाई आगे भी यही तरह जानकारी सबको देते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और हमें माता रानी के दर्शन कराते रहिए।
जय माता दी। जय माता दी आप लोगों को, सभी को जय माता दी। और ख़ास करके ट्रेन राइडर वाले भैया को जय माता दी, जिन्होंने हम सभी को पूरे लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग दूर कहीं बैठे हैं, उनके माध्यम से हर घंटे हर दिन की बातें हमें पता चलती है और हमें जानकारी मिलती है कि माता रानी के दरबार में सब कैसा चल रहा है। मैं तो हर साल माता रानी के दर्शन के लिए जाता था, परंतु इस बार नहीं जा सका क्योंकि कोरोना वायरस इतना ना फैला हुआ है। लेकिन इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि इस महीने या अगले महीने को मैं जाऊँ, फिर से माता रानी के दर्शन करूँ। मैंने उनके दरबार से एक उनके आशीर्वाद के रूप में एक चीज़ खरीदी थी, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली क्वाइन है और जब से मैंने इसे ख़रीदा है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। माता रानी की कृपा से ही मैं आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ, और मुझे अच्छा लगता है उनके दरबार में जाना, उनके दर्शन करना। एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव है। आप भी जाइए, आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जय माता दी। जय माता दी। ट्रेन राइडर ग्रुप को रोशन द्विवेदी की तरफ से जय माता दी। मेरा नाम रोशन द्विवेदी है और मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मगर इस बार कोरोना के चलते हुए मैं नहीं जा पाया, मैं और मेरे साथ के लोग भी नहीं जा पाए। कुछ आर्थिक परिस्थिति वजह से होने के कारण भी मैं नहीं जा पाया। देखो पता नहीं माता ने का बुलावा कब आए। इस ट्रेन राइडर परिवार से भी जुड़ा हूँ, जिनसे मुझे घर बैठे माता के दर्शन होते रहते हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। माँ भवानी उन्हें और तरक्की प्रदान करें, ये और ऊँचाइयों को छुएं। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं बहुत माँ से प्रेम करता हूँ। मैं इतना कहने जाता हूँ, जो आपके 50,000 परिवार जुड़े, आपको मेरा धन्यवाद। राधे राधे। इस वीडियो को मैंने भैया मेरी माता रानी की कथा वाली माँ के चरणों तक पहुँचा देना भाई। आज मैं तुम्हारा एक वीडियो बना के आ रहा हूँ माता रानी के नाम से। तेरे बुलावा तेरे घर आया माँ, मैं अकेला क्यों हुआ जो तेरी याद आती तुम्हें दौड़ा चला आया था। मैं तेरे बिन कहाँ जी पाऊँगा माँ कथा वाली, जब तेरा लाल तेरे चरणों में रहेगा, जब तेरी याद तेरा बेटा तेरे चरणों तक आएगा माँ कथा वाली। बस यही प्रार्थना है माँ तेरे चरण में, तेरे चरणों में जो मंदिर की धारा है माँ, पल पल में जीऊँगा तेरे लिए, पल पल रहूँगा माँ, बस यही तेरी याद बहुत आती है माँ। इस वीडियो को भैया भक्तों से शेयर करना। जय माता की, जय माता की। तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आप सभी ने इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और भक्तों तक, ताकि और भी भक्त इस वैल्यूएबल फीडबैक वीडियो को देखने के बाद उनके मन में भी जिज्ञासा हो कि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़े और माता रानी के डेली के दर्शन प्राप्त करते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में ऐसे ही आप सभी भक्त इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि और भक्त भी हमसे जुड़ते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में। आप देख रहे थे ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।